हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम तक राजस्थान डीआरटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं राजस्थान के मौसम पूर्वानुमान की कि आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान में कैसा रहने वाला है मौसम और किन किन जिलों में बदलने वाली है हवा और किन किन जिलों में रह सकते हैं बादल, ये संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने चैनल मौसम तक राजस्थान डीआरटी को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, वर्तमान में देखा जाए तो एक कमजोर WD उत्तरी हिमालय क्षेत्रों के बिल्कुल आसपास बना हुआ है, जिसके प्रभाव से आज राजस्थान के पश्चिमी जिलों में जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के इलाकों में आपको हल्के बादल छाए रह सकते हैं और इन क्षेत्रों में हवा की दिशा में आपको काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। हवा की दिशा की बात करें तो संपूर्ण राजस्थान के कई जिलों में अलग अलग दिशा से हवा चलती हुई नजर आ रही है। पश्चिमी जिलों की बात करें तो इन क्षेत्रों में दक्षिणी पश्चिमी हवाएं और कुछ जिलों की बात करें तो बिल्कुल पूर्वी हवाएं और कहीं दक्षिणी हवाएं चलती हुई नजर आ रही हैं। विशेषतः बात करें तो दक्षिणी राजस्थान के कई इलाकों में हवा की गति बिल्कुल सामान्य रहने की संभावना है। कोई विशेष हवा की गति इन क्षेत्रों में संभावित नहीं है। राजस्थान के संपूर्ण इलाकों की बात करें तो आने वाले 24 घंटों के अंदर हवा सामान्य रह सकती है। कोई विशेष तेज हवा चलने की संभावना नहीं है। आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर देखा जाए तो राजस्थान में हल्का तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। विशेषतः बात करें पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों की बात करें तो इन क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के बाद से ही इन क्षेत्रों में तापमान में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू के क्षेत्रों की बात करें तो इन संपूर्ण क्षेत्रों में आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर आपको तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी और हवा की गति बिल्कुल सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा के आसपास के इलाकों की बात करें तो इन क्षेत्रों में भी आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर आपको तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी और हवा की गति सामान्य रह सकती है। बाकी बात करें अजमेर से लगाकर जयपुर, दौसा, टोंक, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के क्षेत्रों की बात करें तो इन क्षेत्रों में भी रात की ठंडी और दिन गर्म रहने की संभावना है। आने वाले 24 से 48 घंटों के बाद से तापमान में और वृद्धि देखने को मिलेगी। हो सकता है फरवरी के अंतिम सप्ताह के आसपास एक बार फिर राजस्थान में तापमान आपको गिरते हुए नजर आए, परंतु आने वाले एक सप्ताह की बात करें तो संपूर्ण राजस्थान में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 20-22 फरवरी के मध्य आने वाले WD के प्रभाव से राजस्थान के जयपुर संभाग और बीकानेर संभाग के कई इलाकों में आपको हल्की बारिश की गतियां देखने को मिल सकती हैं। वर्तमान में बात करें तो किस प्रकार से संपूर्ण राजस्थान के आसपास सेटेलाइट इमेज बनी है। सेटेलाइट इमेज की बात करें तो पाकिस्तान के बॉर्डर से सटे इलाकों की बात करें तो संपूर्ण क्षेत्र में हल्के ऊंचाई वाले बादल नजर आ रहे हैं। बाकी संपूर्ण राजस्थान में मौसम मुख्यतः साफ एवं शुष्क नजर आ रहा है। उत्तरी हिमालय क्षेत्रों की बात करें तो इन क्षेत्रों में WD के प्रभाव से आपको बादल नजर आ रहे हैं। बाकी संपूर्ण मध्य दक्षिणी भारत तक देखा जाए तो मौसम मुख्यतः साफ एवं शुष्क नजर आ रहा है। तो दोस्तों, मौसम तक राजस्थान DRT चैनल पर अब के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।